प्रदेश की राजधानी जयपुर में एक न्यायिक अधिकारी के आवास पर सहायक न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच को लेकर न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को चौथे दिन भी जारी रही। शनिवार सुबह न्यायालय परिसर पहुंचे हड़ताली न्यायिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारी आवास तो हम एक है, कर्मचारी एकता जिंदाबाद तथा दिवंगत कर्मचारी मेहता की मौत की ही ओ सीबीआई जांच आदि नारे लगाते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया। न्यायिक कर्मचारी संघ के वरिष्ठ सदस्य सुरेंद्र सिंह ने बताया कि लगातार चार दिनों से न्यायिक कर्मचारी जयपुर में सहायक न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते न्यायिक कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि अगर शीघ्र ही कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। शनिवार को नारेबाजी के दौरान कमल जोशी, अभिलाष मीणा, रवि मीणा, भरत सिंह, शेरराम, हरगोविंद चौहान, भरत सिंह, रंजीत मीणा, कुलदेव सिंह, दीपक भेजवार, विजय यादव, घनश्याम सिंह तथा सुमेर सिंह सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। सामूहिक अवकाश और आंदोलन जो चल रहा है चौथे दिन लगातार जारी है। हमारी जो मांगे वो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो सरकार द्वारा मानी नहीं जा रही है, जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये लगातार जारी रहेगा। और अगर फिर से हमारे जो अनुग्रह को स्वीकार करते हुए वो जांच नहीं करवाते तो इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और अनवरत जारी रहेगा।